हेलो दोस्तों, वेलकम इनका बैक। यहाँ पे मेरी चिड़िया हो रही है इवॉल्व। यहाँ पे मैं नॉर्मली लेवल अप कर रहा था, इनका वाइल्ड पोकेमॉन कैप्चर कर रहा था और यहाँ पे मेरी पोकेमॉन इवॉल्व होने लगा। यहाँ पे देख सकते हो मेरी छोटी सी चिड़िया इवॉल्व हो चुकी है और यहाँ पे मेरी चिड़िया बड़ी हो चुकी है और अपनी चिड़िया स्टारवी से स्टारविया बन चुकी है मस्त वाले। इसका नाम मैंने डॉट रखा था, इस डॉट का नाम मेरे को चेंज करना है, वो अपन आगे करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा और कैप्चर, इसका फर्स्ट अटैक देखेंगे। नया पोकेमॉन है, स्टारअप हुआ, इसका इवोल्यूशन हुआ, स्टारअप नहीं हुआ है, तो देखेंगे इसका अटैक कैसे होने वाले। इंटरमीडिएट वाला अटैक है, इसका पर फेल्ड हो चुका है। ओके, कोई अटैक देखेंगे। अटैक वैसे ये कुछ चेंज नहीं है, बस खाली यहाँ पे जो पोकेमॉन खड़ा है वही चेंज है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। पर इससे अपन बैटल करेंगे और इसको अपन डिफीट करने का ट्राई करेंगे। जरूर कर रहे, थोड़ा सा हेल्थ बचा है उसका, अपना भी थोड़ा सा हेल्थ है पर उससे तो ज़्यादा ही है। फिर यहाँ पे इसको क्विक अटैक मारेंगे और अपना नया पोकेमॉन स्टार या अपना स्टारअप पोकेमॉन, स्टारअप नहीं इवॉल्व पोकेमॉन अभी अभी मस्त वाली अपनी बैटल जीत के 100 XP कमा चुका है। तो यहाँ पे मैं ये सब बैटल अटैक करूँगा और यहाँ पे देखो वापस कैप्चर कर रहा था इसी, मतलब क्योंकि वाइल्ड पोकेमॉन को लेवल अप कर रहा था। तो यहाँ पे मेरा जोरो पोकेमॉन का एक नया मूव अनलॉक हो चुका और मैं यहाँ पे लेयर को हटा रहा हूँ और लेयर को हटा के मैं यहाँ पे नया मूव सीख रहा हूँ जिसका नाम है स्कैरी फेस। तो दो अटैक सीख लिया अपन ने। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे बॉल सिटी के अंदर, मेरे पोकेमॉन को थोड़ा सा बैटल कराऊंगा मेरे पोकेमॉन से। तो यहाँ पे अपन चले जाते हैं जिम में, ठीक है, कि अपने पोकेमॉन का लेवल बढ़ा चुका है, एक पोकेमॉन नया मूव सीख चुका है, एक पोकेमॉन इवॉल्व हो चुका है, तो होपफुली आप अपन बैटल जीत जाएंगे। पर बैटल जीतने से पहले मेरे को ये आंटी से बैटल करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट वीडियो के एंड में ये आंटी ने मेरे को डिफीट कर दिए थे। दो चेला जिम लड़े का जिन लोग से डिफीट करने से पहले सेकंड चेले ने मेरे को वाइप आउट कर दिया था, मेरे पैसे नुकसान हो गए थे और मेरे को पोकेमॉन सेंटर जाना पड़ा था। तो होपफुली इस बार ना हो और अपन जिम लीडर को भी हरा के अपना सेकेंड बैच फाइनली जीत जाए। तो यहाँ पे पहले तो जोरो अपना प्रस्यूट अटैक करता है, इसका एक अटैक मालूम है मेरे को और एक फ्यूरी से, अब बाकी स्कैरी फेस और ये फेक टियर तो कुछ करता नहीं है, डिफेंस पे लो कर देता है, HP लो नहीं करता है। तो अपन यहाँ से वो कर लेंगे जोरो वाला अटैक। पिकाचू जिंदा है, पिकाचू का काम तमाम, लेवल 15 का पिकाचू था, 17 का अपना जोरो, जिसको डिफीट करने के बाद जोरो को 260 XP मिली और इसका मरी पोकेमॉन आ रहा है जी में इलेक्ट्रिक है, तो सारे पोकेमॉन इसके इलेक्ट्रिक ही होने वाले। तो यहाँ पे मरी पा चुका है और मैं मेरा पोकेमॉन चेंज नहीं करने वाला हूँ, वापस अपन प्रस्यूट यूज़ करेंगे। पर पोकेमॉन मेरा पैरालाइज है तो प्रस्यूट यूज़ करने दिक्कत हो रही है, इसने फाइनली प्रस्यूट यूज़ कर दिया, हेल्थ एकदम उसका थोड़ा सा बचा है और जोरो वाले ने मरीब को भी डिफीट कर दिया 189 XP लेके। तो इसके दो पोकेमॉन अपने डिफीट कर दिया। अब आ रहा है इसका लास्ट पोकेमॉन हीलियोप्टाइल। हीलियोप्टाइल देखते हैं हीलियोप्टाइल की बैटल अपनी कैसे जाएगी। फ्यूरी स्वाइप और भाई हीलियोप्टाइल ने अपना काम तमाम कर दिया, अपना पोकेमॉन स्विच करके अपन बाहर निकालेंगे, ईवी को निकालेंगे क्योंकि ईवी में सेकंड लास्ट कमजोर पोकेमॉन बोल सकते हैं। तो ईवी का मेरे को ज़्यादा कुछ मेन बैटल में यूज़ भी नहीं आएगा, तो होपफुली ईवी इसको हरा दे। पर मेरी होपफुली जो बोला था वो बहुत जल्दी होपफुली से होप एम्प्टी हो गई क्योंकि भाई मेरा और वह पोकेमॉन हार चुका है। तो अपना अपन निकाले अपने भालू को, मेरा भालू स्क्रैच करके तो होपफुली इसको अच्छा खासा हरा सकता है। पर यहाँ पे भी लेवल का फर्क है, पर मेरी HP ज़्यादा है तो मेरे भालू ने टेड ने हरा दिया 186 XP लेके, XP के पॉइंट्स लेके। तो अच्छा हो गया, मैंने इसकी चेले को भी हरा दिया। अब फाइनली अपनी बैटल जाएगी मेन जिम लीडर पे। इसको 400 रुपये हरा था, कितने रुपये वापस दे रही है, 300 रुपये दे रही है। ओके, घपला मार के दे रही है, पर कोई नहीं, यहाँ पे भी इसको डिफीट कर दिया। अब फाइनली जिम बैटल, ठीक है, आओ आंटी वैसे जिम बैटल करो। पर उससे पहले भाई मेरा पोकेमॉन का हेल्थ बढ़ा लूँ, दो पोकेमॉन मेरे नॉक्ट आउट है, तो भाई मैं यहाँ पे मेरे HP फुल कर लेता हूँ। क्या पता जिम लीडर कितना बुरा हाल करें, ये जॉय ओके ब्लॉक वाली जिम ब्लॉक वाला वो है पोकेमॉन सेंटर है। अरे एंटर स्लो स्पीड करके एंटर, वापस आ गए इधर पे। चलो साइड हो, तुम लोगों को मैं डिफीट कर चुका हूँ, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। हाय जिम लीडर, कैसी हो, नाम है इसका कैसी हो, जिम लीडर का नाम ही कैसी, उसको कैसी पूछ भी नहीं सकते। तो अपने को इसको डिफीट करने का है। क्या आई लव योर एटीट्यूड गोसी, ओके आई डोंट हैव एटीट्यूड, आई हैव पोकेमॉन। ओके, तो यहाँ पे अपन आ गए जिम बैटल, देखिए कितने पोकेमॉन की बैटल होगी है, 3 पोकेमॉन की बैटल होगी। ओके, उसके 3 पोकेमॉन आने वाले और देखते हैं लुक्सियो ब्लड जीत, तो ये डबल बैटल होगी, डबल बैटल होने वाली घोड़े की और लक्ष्य की, 4 पोकेमॉन। और मैंने यहाँ पे क्या निकाला, जोरो और ईवी, मेरे भी 4 पोकेमॉन के 4 और भाई मेरे दोनों पोकेमॉन डर गए। ये इंटीमेट हो गया, किससे इंटीमेट हो गया, लुक्सियो से, लुक्सियो ने मेरे दोनों पोकेमॉन को डरा दिया। तो अपन भी इसको डराने के लिए यूज़ करेंगे परस्यूट और फ्यूरी साइप, ठीक है, परस्यूट यूज़ करता हूँ और मेरी ईवी क्या करेगी, मैं ना पहले किसको मारूँ, घोड़े को मारता हूँ, ईवी तो क्या करेगी, ईवी हेल्पिंग हैंड देगी या सैंड अटैक करेगी, मेरे हिसाब से इसको हेल्पिंग हैंड देना चाहिए। तो ईवी ने हेल्प हैंड दिया, ताली मारा, ईवी हेल्प करने के लिए रेडी है जोरो को। और मेरा जोरो क्या करेगा, मेरा जोरो ब्रिट से साथ वो यूज़ करेगा। ओके, चार्ज कर ले, पावर स्कॉ हो चुका है, मैंने परस्यूट यूज़ किया, हाफ हेल्थ और भाई मेरा जोरो का उससे ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। अपन वापस से परस्यूट यूज़ करने का ट्राई करेंगे और देखेंगे क्या होता है। और वापस से हेल्पिंग एंड, अपन हेल्पिंग, उसने हेल्थ बढ़ा लिया पहले बात, तो पोशन यूज़ कर लिया उसने, मेरा यहाँ पे नुकसान हो गया मस्त वाला। हेल्पिंग एंड अपन ने यूज़ कर लिया, इसका जोरो हेल्प करने के लिए रेडी है, जोरो यूज़ परस्यूट। ओके, जोरो ने वापस परस्यूट यूज़ किया और थोड़ा सा हेल्थ कम किया, बहुत कम हेल्थ किया है,
पर यहाँ पे मेरा जोरो का भी यहाँ पे बहुत खतरनाक वाले काम तमाम होने वाला है। मैं जोरो अपनी आखिरी सांस ले रहा समझो, पर मेरी ईवी अच्छी खासी जिंदी है, ईवी को कोई कुछ कर नहीं रहा है। इन सबसे ईवी लोग को निमा दे तो लोग ईवी को भी निमा रही है। अच्छा है मेरे हिसाब से, यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। अपन टैकल यूज़ करेंगे और ये टैकल अपने को जोरो को नहीं मारना है, इसको मारेंगे अपन, इसको मारेंगे ठीक है। इसमें फ्लेम ही यूज़ किया पहली बात तो। ओ मेरा ईवी ईवी जिंदा बच गई, ईवी जिंदा बच गई। जोरो ने फेक टेयर्स यूज़ किया है, उससे पोकेमोन डर गया कि अरे ये तो रो रहा है, इसको तो मैं मार भी नहीं सकता हूँ। और यहाँ पे लोग ने मेरे ईवी को मार दिया ठीक है, ईवी को मार दिया। ईवी का अपन निकालेंगे मार टेड को, और जोरो का भी काम तमाम होने वाला है बहुत जल्दी। पर्स्यूट यूज़ करेंगे इस पर, और अपना भालू क्या करेगा, भालू स्क्रैच कर सकते हैं तो भालू स्क्रैच करेगा। फ्लेम व्हील यूज़ हो रहा है खतरनाक वाला, और मेरे जोरो का काम तमाम। ओके मेरा जोरो उसको डिफीट। जोरो की जगह किसको बाहर निकालेंगे अपन, अभी स्टारविया को निकालेंगे या फिर मैग भी सही है मेरे हिसाब से, मैग भी अच्छा रहेगा। फायर पोकेमोन जला देगा लोगों को, अपने को बन का भी थोड़ा थोड़ा लोग का काम होता रहेगा। इस पर यूज़ करेंगे अपन एम्बर, और इसके पड़ोस पर यूज़ करेंगे अपन एम्बर, और इस पर यूज़ करेंगे अपन स्क्रैच। उन लोग का काम तमाम कर देंगे, ट्राई करेंगे जल्दी से होता तमाम कि जल्दी से काम तमाम हुआ नहीं। ओके ये होता है कि मेरे मैक बी का नॉट वेरी इफेक्टिव बता रहे थे, यहाँ पर मेरा मैक बी फायदे में एम्बर यूज़ किया, और उसके ब्लीच का काम तमाम। ओके इसके जेबरे को अपन ने मार दिया फाइनली। टैड को इतनी एक्सपी मिली, इसको भी इतनी एक्सपी मिली, 132 XP, एक पोकेमोन काम तमाम हो चुका है। अब आ चुका है इसके फाइनल पोकेमोन इलेक्ट्रिक, क्या इलेक्ट्रिक कान खजूरा पोकेमोन जो भी है, जिससे मेगा मन का पोकेमोन। यहाँ पे अपना डिफेंस फेल हो चुका है, स्टैटिक पैरालाइज हो चुका है टैड, अनेबल टू मूव है। अपन स्मॉग मारेंगे इस पर ताकि उसको थोड़ा पॉइजन वाला शायद ऐसा पड़ जाए, और इस पर तो स्क्रैच ही है तो अपन स्क्रैच वापस यूज़ करेंगे। पोशन यूज़ कर लिया उसने धोखेबाज लोग ने अपने, क्या इलेक्ट्रिक बर्न फो के नाइस, इलेक्ट्रिक इसका बर्न हो चुका है, बहुत अच्छे है। दिखता भी है बग टाइप का, बर्न होना ही चाहिए उसको तो। यहाँ पर वापस स्मॉग, अपना स्मॉग यूज़ करेंगे स्मॉग, और यहाँ पर क्या हो गया, हाल हो रहा है। स्मॉग यूज़ किए भाई, बहुत कम का हेल्थ कम है इसका, इसका लुक्स भी बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, पर इलेक्ट्रिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इलेक्ट्रिक पे ज़्यादा अच्छा मेरा वो है। मेरे हिसाब से देखो मेरे एक पोकेमोन पैरालाइज है, इससे काम तमाम हो चुका है। तो अब अपने को निकालना पड़ेगा अपनी स्टारली पोकेमोन, स्टार पोकेमोन जिसका नाम बदलना है मेरे को, यार इसका नाम कैसे बदलना है। ओके इंटरमीडिएट हो चुका है, लोग डर चुके हैं मेरी चिड़िया से कि वही इस मेढक को मेरी चिड़िया खा न ले। अपन एम्बर यूज़ करेंगे वापस से छोटू पे ताकि और जले, और अपन विंग अटैक यूज़ करेंगे इसके लुक्सियो पे ठीक है। लुक्सियो पे विंग अटैक यूज़ किए, विंग अटैक में भाउंडर फेंक के मार रहा है, नॉट वेरी इफेक्टिव। ओके तो विंग अटैक दोबारा नहीं यूज़ करना है बैटल में, इस बैटल में तो बिल्कुल भी नहीं। एम्बर यूज़ करेगा कि नहीं करेगा आज के लिए, यूज़ किया इसने एम्बर। ओ ओ भाई इतना सा, प्लीज़ मर जा। ओके मेरा क्रिटिकल हिट, मेरा मैगी का काम तमाम हो चुका है। ओके मैगी, अब मेरे को मजबूर निकालना पड़ेगा मेरा फ्रॉगी पोकेमोन, सबका काम तमाम हो चुका है। फ्रॉगी जिंदा है तो होपफुली फ्रॉगी तो मेरे हिसाब से काम तमाम कर देगा, फ्रॉगी का लेवल अच्छा खासा आप इन लोग से। तो फ्रॉगी और चिड़िया आ चुकी है मेरी, जिसमें से मैंने इसका भी काम तमाम कर दिया हूँ। पॉइजन डैमेज मिला इसको, अपना लेवल इंक्रीज हो चुका है, लेवल 18 हो चुका है मेरी चिड़िया का। ओके ट्राइंग टू लर्न एंड ओवर, ओ भाई बीच बैटल में नया मूव बनना पड़ रहा है, ये होती है ना खतरनाक बैटल जिसके अंदर अपने पोकेमोन इतने खतरनाक बैटल कर रही कि नया मूव एंडेवर से लग रहा है कि फायर टाइप का होगा, क्योंकि अपने कौन सा हीरो अकेडमी का नया है ना एंडेवर, तो मेरे हिसाब से कोई फायर वाला ब्रेव बर्ड टाइप का अटैक होगा। तो अपन इसको यूज़ कर लेंगे टैकल से हटा के, टैकल हटाएंगे अपन एंडेवर ऐड कर लेंगे, और एंडेवर को अपन यूज़ भी करेंगे लक्ष्यों पे, और देखेंगे लक्ष्यों का क्या हाल होता है अपने एंडेवर यूज़ करने के लिए। जैसे एकदम कार्टून में बता दें कि नया अटैक सीख के नया अटैक से अपना जिम बैटल जीते, अपन वही करने वाले वापस इस गेम के अंदर, देखते हैं अपना होता है कि नहीं। तो अपन यूज़ करेंगे एंडेवर और फ्रॉगी को बोलेंगे डबल टीम यूज़ कर ताकि कोई डैमेज ना दे पाए फ्रॉगी अपना, और अपनी चिड़िया एंडेवर यूज़ करके मस्त वाला डैमेज है। फ्रॉगी ने डबल टीम यूज़ किया, इसका इन्वेजन रोज हो गया, और अपन यूज़ करेंगे। ओके मेरा फेल्ड हो चुका है इधर पे पता नहीं क्यों, ठीक है वापस से सब कुछ ये करेंगे, उसको डबल टीम देंगे और अपना ये एंडेवर यूज़ करेगा एंडेवर। तो एंडेवर एंडेवर यूज़ करके फ्रॉगी ने यूज़ किया वापस से डबल टीम, और यहाँ पे इसमें एंडेवर मार चिड़िया खतरनाक ब्रेव बर्ड। ओके ब्रेव बर्ड वापस से फेल्ड, अरे फेल्ड क्यों हो रहा है, क्या ये पोकेमोन क्या लायक नहीं है कि पोकेमोन के अटैक करने के, कौन सी बात है फेल्ड क्यों बता रहा है इतना सारा। लास्ट ट्राई इसने डबल टीम यूज़ किया और वापस फेल्ड हो चुका है। ओके अब मेरे को नहीं मतलब है, अब मेरे को उसको डिफीट करना है, तो वाटर पल्स मार और इसका काम तमाम कर दें, क्योंकि भाई इससे तो मैं इतना वो नहीं हो रहा है। ले भाई क्विक अटैक मार, चिड़िया का काम तमाम कर, इसका क्विक अटैक तो मारेगा ही ना, चलो उसने भी अटैक मिस कर दिया। वाटर पल्स मार और भाई सुखा दे इस कुत्ते को, भीगी बिल्ली जो भी है, ये विंग अटैक रोक दिया, वाटर पल्स कर दे इसको, वाटर पल्स कर दिया इसने और इसका काम तमाम। बहुत लंबी चली है जिम बैटल, बहुत लंबी चली, 250 XP दोनों को गेम के मिले, पर बैटल भाई अच्छी खासी लंबी चली, इतनी लंबी नहीं चलना चाहिए था। पर अपने जिम लीडर कैसी हो डिफीट हो चुकी है, अपने कैसी को डिफीट करी, कैसी ने अपने को 4,400 रुपये भी दे डिफीट करने के,
और द लीडर ऑफ द गेम दिस बैज, अपने को घोषित रिसीव को बैज मिले, नाम तो देते खाली बैज का, बैज क्या कर रहा है, रिवॉर्ड फॉर योर विक्ट्री ऑल्सो गिव यू डिस टीएम। टीएम कौन सा मिला है, कैसीनो, कौन सा टीएम दिए कैसीनो ने, कैसीनो थंडर बोल दिए, पर मेरे पास इलेक्ट्रिक पोकेमोन नहीं उनको लगाने के लिए, तो पड़े रहेगा ये बैग में, कभी ना कभी अपन यूज़ करेंगे किसी इलेक्ट्रिक के लिए। तो अपने आप डिफीट कर दिए, अब अपन यहाँ से निकल जाती है, सिटी का काम हो चुका है अपना डिफीट कर दे, पर उससे पहले मेरे पोकेमोन को जिंदा करना है मेरे को सारे, क्योंकि सबकी हालत तो अपन कर चुके ख़राब, तो इसको अपन जिंदा करते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपने पास जैक्रोम भी आता, अपन ने अभी तक किसी से बात नहीं की जैक्रोम के बारे में, तो देखते हैं अपने को जैक्रोम वापस कब दिखेगा। पैसे भी कम आ चुके तो शॉप में जाके थोड़ी शॉपिंग भी हो जाए। लाओ आंटी क्या क्या बेच रहे हो, पोकेबॉल लेता हूँ पहले तो मैं, पोशन भी लेता हूँ, पोशन की पोशन लेना चाहिए मेरे को, पोशन लेना अच्छी बात है, पोशन लेना है, हील फ्रॉम पॉइजन भी लेना है, रेप्टाइल भी लेना है, 10 पोकेमोन भी लूँगा जब कोई अच्छा पोकेमोन की तलाश होगी तो। मेरे हिसाब से इसका मेरे साथ ये क्या होता है, मेरे आजू बाजू मेरे पोकेमोन आएंगे या फिर आजू बाजू पोकेमोन नहीं आएंगे जंगल में भटकने से, क्या होगा मेरे को पता नहीं। पर यहाँ पे मैं पोकेबॉल ले लेता हूँ पहले तो, 10 पोकेबॉल ले लेता हूँ 2000 के, एनी वन 10 पोकेमोन दैट विल बी 2000 रुपये, यस मेरे को 10 बॉल चाहिए 2000 रुपये का। और क्या चाहिए, अरे और नहीं चाहिए यार मेरे को, और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, एक ही दो गलती से बैक करने नहीं आता है, मजबूरी में अपने खरीद लिए, नो कर दिए, बैक कर दिए, इज दिस एनीथिंग यू वांट, ओके और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, पोकेबॉल चाहिए था फिलहाल, ओके क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ कर सकते तो नहीं मतलब तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से मेरे को। तो ये कर लिया अपन ने, यहाँ पे पोकेमोन भी कैप्चर कर लिया अपन ने, अभी सिटी से अपन निकलते बाहर, बाहर निकले अपन को ये जंगल में जाना पड़ेगा, पता नहीं क्यों तो जंगल की जगह झाड़ फूड़ के दिए लोग ने, तो कोई नहीं अपन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे विजिट मेरे को पोकेमोन बहुत दिखे पर मैंने उनको कैप्चर नहीं किया, बहुत जगह से रन अवे कर दिया, बहुत जगह डिफीट कर दिया, पर वो सारा मैंने एडिट करके यहाँ पे हटा चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो लार्वा का मैंने यहाँ पे क्यों रखा हूँ पता है तुमको, क्योंकि मेरा फोगी डेविल का पता नहीं क्यों रखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आंटी को डिफीट कर चुका हूँ मैंने यहाँ पे, आंटी से डिफीट करने का मतलब नहीं है, ये आया अपना नेक्स्ट जगह जाने का रास्ता, ठीक है। ये ऊपर अंकल है, ये अंकल मेरे हिसाब से यहीं से मिलेंगे, तो अपनी गुफा में एंटर कर लिए 2-1। यहाँ पे पता नहीं कि नाम मेरे हिसाब से लोग ने दूसरी लैंग्वेज में लेके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किए। टीम रॉकेट व्हाट आर द नर्वस पीस पास इन आवर टनल, तो अपन टीम रॉकेट के टनल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे अपने को टीम रॉकेट से बैटल करना पड़ेगा, देखते हैं अपन को टीम रॉकेट से कितनी बैटल करनी पड़ेगी। और मेरे पोकेमोन एक पोकेमोन नॉकआउट है, इसके 2 पोकेमोन डबल बैटल है, ओके। तो यहाँ पे चिमचार को तो अपन आराम से काम तमाम कर सकते हैं, और मेरा ये देखेंगे ये पता नहीं इसको मार पाएगी कि नहीं, इस पर कर दिए, ओ पूरा हेल्थ अच्छे से कम नहीं हुए, ओके वापस से ट्राई करेंगे बबल और ये टैकल, ओके नाइस वाला बबल यूज़ किए, ओके दोनों पे अफेक्ट हुआ है मेरे हिसाब से, वापस है दोनों का काम तमाम कर दिए, मस्त वाला डिफीट कर दिए, फॉर्गेटर का लेवल बढ़ चुका है। और अपन बाइट मूव नवा सीखने जा रहे हैं, जो कि होता है बाइट, तो अपन कान नहीं सीख सकते क्योंकि अपने पास 4 मूव है, तो क्या अपन एक मूव डिफीट करके बाइट सीखने वाले हैं, तो भाई हाँ अपन एक मूव करके बाइट सीखेंगे। और जो मूव अपन हटाने वाले हैं वो है बबल, क्योंकि बबल से मुझे इतना मतलब नहीं, क्योंकि अपने पास वाटर पास खतरनाक वाला वाटर टाइप अटैक है, तो बबल से अच्छा अपन बाइट सीख लेंगे, कोई नॉर्मल टाइप पोकेमोन पे दांत काटने लोगों को ज़्यादा मजा आएगी, ठीक है। इसके वजह से अपने बबल को हटा दिया कि वाटर टाइप मूव अपने पास था, उसको हरा दिया, इसने 800 रुपये टीम रॉकेट कब से पैसे देने लगी, तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे लग रहा है पूरे इसके अंदर बैटल में कोने से भाग सकता हूँ, कोने से नहीं भाग सकता हूँ, इन लोग इंतजार ही कर रहे हैं, प्रिपेयर फॉर बैटल घुसी, अरे मेरा नाम क्यों पता है तुम लोग को, पैसे लेकर थोड़ी भागो तुम लोग से, और लेके भागो तो बैटल हारने का तुम लोग मेरे को क्यों दे रहे हैं। तो अपन नया मूव अपन ट्राई करेंगे, अपन बाइट करने वाले, फॉगेटर बाइट किया, फॉगेटर ने बाइट करके क्या किया, ओ अच्छा खासा बाइट किया इसने, वाइज नाइस अच्छा खासा डैमेज दिया बाइट करके, तो मेरे ईवी का तो काम तमाम हो चुका है। आप भाई ईवी का रिप्लेसमेंट को, ये मेरे ईवी और जोरो दोनों का काम तमाम हो चुका है, तो मैं थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अपना भालू आ चुका है बाहर, भालू क्यों आ चुका है बाहर, भालू मेरे ही है ना, हाँ मेरे भालू नहीं है, उसके पास भी भालू, दोनों के पास भालू है, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया था। तो सबसे पहले तो इसके सिंडर के लिए काम तमाम कर दिए, टेड का लेवल अप हो चुका है, और टेड फ्यूरी स्वाइप्स लर्न कर लिया, तो टेड के पास नया अटैक आ चुका है फ्यूरी स्वाइप, बहुत सारे नाखून से चुभाएगा, तो देखते हैं फ्यूरी स्वाइप, ये देखो यहाँ पे नीचे मिल गया, क्या मैं से बच के भाग सकता हूँ, नहीं भाई नहीं भाग सकता हूँ बच सके, ओके वापस है बैटल, बहुत बैटल हो गया, फ्रॉगेटर अपने इधर पर कैसे खड़ा, ये अच्छी की बैटल बननी बने, यहाँ पे अपन बाइट यूज़ करेंगे अपना नया मूव, ओ भाई थोड़े से उससे रह गया, तो अपन वाटर पल यूज़ करेंगे, कान तमाम 400 एक्सपी इंक्रीज हो गई, और क्या मेरे को चेंज करना है, नहीं चेंज नहीं करना है, ओके 3 बैटल है 3 पोकेमोन की, यहाँ पे भी इस पर भी बाइट यूज़ करेंगे, एक ही बार में काम तमाम 235 एक्सपी यहाँ से मिल गई, लास्ट पोकेमोन इसका वाटर बल्स मैग भी काम तमाम, एक खेल में फ्रॉगी जिंदाबाद 450 एक्सपी भी मिल गई, और 450 रुपये भी। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से, एक और आंटी खड़ी है इधर पे, यार यार माफ़ कर दो मेरे को घर और जाना है, हाउ चीकी बॉय फाइट एक्सपेक्ट मोर रिग्रेट वर्ड नाइस इंग्लिश और बैटल
सिंडिकल फिर भी डबल बैटल फ्रॉगिडियर सिंडिकल काम तमाम करते हैं और चिड़िया तो उसको जाके धक्का मार खतरनाक वाला वाटर पर्स इसको और इसको तो विंग अटैक कर रहे काम तमाम कर इसकी मोटे मोटी बैल बकरी का सिंडिकल काम तमाम हो गया दोनों का एक्सपी मिल गया अच्छी खासी इसको भी मार दिए पर डैमेज बहुत कम पड़ा उसको बहुत ज़्यादा कम पड़ा डैमेज ओके अच्छे से डैमेज मारेंगे इसको अपन घोड़े की बारी घोड़ा बच गया इसका क्विक अटैक यूज़ करेंगे इस पर क्योंकि दोनों में से कोई भी फायर टाइप नहीं है ब्लिजर्ड का काम तमाम हो चुका है फ्रॉग इसको 126 का एक्सपी मिल गया लास्ट पोके मार चुका है छोटे से बड़ा चिमचार और अपनी चिड़िया का भी चिमचार ने चार्ज कर दिया अपनी चिड़िया का भी चारों पैर पे गिर गई पर उसके पैर दो ही होते हैं और पर भी होते तो चारों पैर पर होंगे दो भी हो पता नहीं क्या क्या बोलूँ इधर पर आके कोई देखता नहीं यहाँ तक का वीडियो तो क्या बोलूँ मैं यहाँ पे बोल रहे ओके इनफर्नो का मन फर्नो काम तमाम को दिया इनफर्नो भी लिखा हो तो उसको भी अपन ने डिफीट कर दिया फिर फलैफी को नहीं ये लोमड़ी का नाम फलैफी है ओके फलैफी को डिफीट करना है तो इस पर भी आ गए अपन फिलैफी को मारे मस्त वाला अटैक सिलेक्ट ले स्पेस के स्क्रैच निफर फ्राइप फ्यूरी स्वाइप नया अटैक अपना पावर वाटर पल्स में सबसे काम तमाम हो जाएगा इसका वह हाँ हो गया नाइस काम तमाम डिफीट कर लिए फलैफी फेंटेड 250 के आसपास की एक्सपी मिली फ्रोगी का लेवल 29 हो चुका 30 पे इवॉल्व होता है क्या ये टेड को भी एक्सपी मिलेगी टेड इवॉल्व नहीं हुआ टीम रॉकेट के रॉकर को हरा दिया जिसने अपने को 900 रुपये दिया ओके अच्छा भाई सही बंदा है भाई 900 रुपये दिया ओके एक और अरे भाई कितनी बैटल कराओगे ओके फाइनली सीढ़ी दिख चुकी है तो ये लास्ट बैटल होनी चाहिए अपनी नॉट अ बैड किट टू हैव मेड रॉकर दिस फार फ्यूचर इमेजिन बैटल ओके नाइस स्लॉट आ चुका है स्लॉट को वाटर मारेंगे ये जो मिट्टी का बोगे हो ना इसको मिट्टी कर देंगे स्लॉट का काम तमाम 300 एक्सपी मिल गई वॉलपिक्स आने वाला है पर वॉलपिक भी कहीं ना कहीं से पानी का ही होगा तो वॉलपिक्स वो पानी का नहीं है तो अच्छा वो दूसरा पोकेमोन होता है ये नाइनटेल्स का छोटा भाई है तो इसको डिफीट करने के लिए अपन जो टैड को बुलाएंगे मैगबी को बुलाएंगे मैगबी इसके हिसाब से सफ़ेद बाल को जला के काला कर दे बन पर चलो बन तो उस पर हो चुका है काम तमाम वॉलपिक्स ने डिफीट कर दिया दोनों को 1400 एक्सपी मिल गई डिफीट हो गया इसको भी ओ नहीं डिफीट हुआ इसके पास और भी पोकेमोन है ओके फ्लेम तो यूज़ करेंगे इस पर अपन मास वाला वो हेल्थफुल हो गया था एक तो उसका ही बुरा हुआ मेरे साथ सेंट्रिक हार्ट 200 एक्सपी मिल गई पोकेमोन चेंज नो पोकेमोन चेंज अब दोनों यहाँ पे फायर टाइप की होगी पर यहाँ पे अपन स्मोक यूज़ करेंगे इस पर जो कि स्मोक भी अच्छे से डैमेज नहीं रहता तो एम्बर डैमेज दे रहा है एम्बर थोड़ा सा डैमेज दे रहा है अपना पोकेमोन का हालत ख़राब है स्वाइप कर लेंगे किसी टैड से टैड आएगा और भालू अपना वो ग्राउल हो गया ओके कोई नहीं तुम इसको बुला के ज़्यादा बड़ी गलती की है क्योंकि ये तुम्हारा ज़्यादा बुरा हाल करेगा बाइट कुत्ते को दांत काट लिया अपन ने बोलो कुत्ता दांत काटता अपन ने कुत्ते को दांत काट लिए डिफीट कर दिया तीन पोकेमोन को मेरी 700 एक्सपी मिल चुकी है लास्ट पोकेमोन इसका आने वाला है 4 मिलियन क्या अपने चेंज करना है पोकेमोन हाँ भाई चेंज करना है टैड को लाना क्योंकि टैड के एक्सपी बढ़ाना है अपने को लेवल बढ़ाना है तो यहाँ पर अपन फिर स्वाइप यूज़ करेंगे इस पर 4 मिलियन पे ओके इसने डरा दिया चिल्ला के अपने को फिर स्वाइप यूज़ करेंगे फिर मिस हो चुका है बहुत अच्छे अंधे पोकेमोन वापस अटैक मिस हो चुका है अटैक किया 3 बार पोकेमोन चेंज कर लेना चाहिए बहुत आलसी पोकेमोन है फ्रॉग गया एक बार में काम तमाम का इतना लंबा वीडियो इतनी लंबी बैटल नहीं होना चाहिए मार दिया इसको गोला काम तमाम 4 मिलियन फेंटेड अपने को 250 के आसपास 250 प्लस एक्सपी मिल गई टेड का लेवल 15 हो गए हैं प्लेयर को डिफीट कर दे कितने पैसे देगा भाई तो लास्ट बनता था 1000 प्लस देना 400 रुपये दिया गरीब कहीं का बहुत ज़्यादा गरीब है ओके फाइनली अपन टनल से बाहर निकल गए और मेरे हिसाब से अपन आ चुके अपनी रोटा 4 न्यू एक्सपी में शुक्र की यहाँ पे सामने पोकेमोन सेंटर है क्योंकि मेरे सारे पोकेमोन की हालत ख़राब हो चुकी है यहाँ पे मैं जल्दी से आकर मेरे पोकेमोन को पहले तो रिस्टोर कर लेता हूँ उनकी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा उनको ज़िंदा कर लेता हूँ नाम का उसके बाद बाहर निकलेंगे अपने पर ये आंटी क्या कर दिए थे अभी आंटी तुम क्या बोल रहे हो पोकेमोन सेंटर बिफोर नेक्स्ट सिटी हेल्प ओके बात तो सही है क्योंकि अब भी को फर्स्ट मार खा के आया हूँ तो मैं हेल्प तो बहुत ही हुई सिटी से मेरी तो इस वीडियो के लिए नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय।